80 साल की महिला को भी नहीं छोड़ा। यह सब क्या सुनने और देखने के लिए मिल रहा है? क्या सच में यही कलयुग है? कलयुग का घोर प्रभाव आ गया है जहां लोग धर्म, न्याय और अन्याय आदि को, न्याय अन्याय को न देखते हुए अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए हैवानियत की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दुदमुही बेटियां शिकार हो रही हैं, किशोरी बेटियां लगातार देखा जा रहा है कि वह हैवानियत की शिकार बनाई जा रही हैं। जवान लड़कियों के बारे में अब यह चर्चा जैसे ही समाचार पत्र खोलेंगे वैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही सोशल साइट पर जाएंगे आप देखेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंची हुई महिलाओं की इज्जत भी अब खतरे में हो गई है। हमने एक वीडियो किया था कि उसने चाची को भी नहीं छोड़ा। कई लोगों ने कहा था ये सब क्या कर रहे हैं महाराज, आप बताइए आपका स्तर है क्या। मैंने उस वीडियो में कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा संदर्भ, चाची खेत से आ रही थी, शाम हो गई थी, गांव का एक लखेरा मोटरसाइकिल से पीछे से आता है, मोटरसाइकिल रुकता है, चाची से कहता है कि चाची इतनी देर को कहाँ। चाची देखते ही उसका प्राण सूख गया कि यह तो बहुत बदनाम है, लुखा लफंगा और इस तरह का अराजक तत्व है। उसने कहा अरे भैया थोड़ा लेट हो गया खेत में, चाची आइए बैठिए, हम घर तक छोड़ देते हैं, हम तो गाँव में चल ही रहे हैं। चाची ने कहा कि हम आ जाएंगे बेटा, चलो बेटा कहा उसने, चाची कहा तो चाची ने बेटा कहा। चाची 35-36 साल की ही थी। उसने कहा, अब किसी कोई सुनने वाला भी नहीं था, चाची मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हैं और वह गांव में ले जाता है। रास्ता जब बदल दिया तो चाची ने कहा कहाँ ले जा रहे हो, इधर से जाना है ना। उसने कहा अरे चाची उधर रास्ता ख़राब है, इधर से चलिए। सुनसान घर के पास ले जाता है, चाची से उतरने के लिए कहता है। चाची उसकी मनसा भांप गई थी, उसकी आंखों में इस तरह की काम वासना सीधे सीधे देख करके चाची ने महसूस कर लिया कि कोई बड़ी दुर्घटना हमारे साथ होगी। चाची ने फिर से कहा कि अरे हमको चाची कहे हो, उसका भी तो ध्यान रखो। उस निकाला और सटा दिया, कहा चल भीतर। भीतर ले गया, उसके बाद क्या हुआ होगा आप जानते ही हैं। चाची ने तय कर लिया कि अगर हम प्रतिरोध करेंगे तो ये हमारी जान भी ले लेगा, हमारे मासूम बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पति हमारा कानपुर में है वो अभी नहीं जान पाएगा, और इसलिए हथियार डालना ही ठीक रहेगा। चाची ने अपने आप को समर्पित कर दिया। सब कुछ हुआ लेकिन पति आया, चाची चुप नहीं रही और उसे जेल भिजवा करके ही दम ले। हमने अपने वीडियो में यह भी बताया था, कुछ पढ़ा भी था, कि 70 वर्षीय पत्नी अपने पति के साथ खेतों में रहती थी, बच्चों द्वारा उपेक्षा की गई थी और गाँव का ही एक हैवान देखता था। और कभी वह महिला स्नान कर रही थी, वृद्ध महिला, तो उसने देखा और उसकी काम वासना भड़क गई। उसने अवसर को तलाश करने की शुरुआत कर दिया कि कब यह जो वृद्ध पुरुष हैं यह जाए और हम अपने काम वासना को शांत करें, चाची को शिकार बनाएं, दादी को, दादी कहा जाएगा, 70 साल की उम्र है। तो गांव का लखेरा घूमता रहा। एक बार ऐसा अवसर आ ही गया, झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक बांस का चाचर था और चूल्हा चौकी था, लकड़ी तोड़ते थे, खाना बनता था। उस दिन उनके पति चले गए थे स्थानीय मार्केट में कुछ सामान वामान लेने, उसी बीच उस दुष्ट को अवसर मिला और उसने चाची को, दादी को अपना शिकार बनाया। दादी प्रतिरोध करेंगी, बताएंगी, गांव के लोग जानेंगे, इसलिए जीमिल्ला समाप्त भी कर दिया। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे सीधे बुंदेलखंड में। झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड का वह बहादुरों का इलाका जिसे आल्हा उदल का कहा जाता है कि वहाँ के सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई और अब बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 80 साल की वृद्ध महिला घर में अकेले रहती थी, मानसिक अपराधी और काम वासना से व्याकुल आरोपी महिला को अकेले देखता है, लाइट बुझाता है, फिर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अब 80 साल की उम्र, उसके अंग प्रत्यंग भी काम नहीं करेंगे, वह प्रतिरोध भी नहीं जता पाएगी। लेकिन उसने जहाँ तक बन पड़ा प्रतिरोध जताया तो इसने मारा पीटा भी और इसके सीने की 3 पसलियाँ टूट गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। काम वासना इतनी प्रबल थी कि उसने काम पिपासा को शांत करने के लिए दादी के दोनों गालों पर दांत से काटा।
जिसके निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आए। तो मारा पीटा और फिर यह पोल न खुले इसलिए बुरी तरह से मारा पीटा, अधमरा जान करके चला गया। परिवार के लोग जब आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो महिला ने बताया, टूटती सांसों से उसने बताया कि गांव का फला व्यक्ति, जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं, उसने ऐसा किया है और आकर के हमारे साथ गंदा गंदा काम किया है। इस मामले में थाना ककरवई में उस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज होता है। एक बेटा गांव से बाहर रहता है और एक बेटा कहीं गया था कुछ खेतों में काम करने, इसी बीच वह आता है, लाइट बुझाता है और फिर ऐसा गलत गलत काम करता है। महिला हॉस्पिटल जाती हैं और फिर वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है वह, बताया जाता है कि जेल से छूट करके कुछ दिन पहले आता है। सम यादव करके कुछ नाम है उसका, एक दर्जन मुकदमे भी उसके ऊपर इसके पहले से कायम है और जेल से आने के बाद उसने ऐसा किया। इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा क्या मनोवैज्ञानिक आधार है इसका और कैसे करना चाहिए। सरकारें इस पर चेत नहीं रही हैं, अब केवल छोटे बच्चों से लेकर के किशोरी और आपकी जवान बेटियों पर ही संकट नहीं है, अब चाची और दादी के वजूद और प्रतिष्ठा, सम्मान और उसके बहुमूल्य देह पर भी संकट आ गया है, क्योंकि इस तरह के काम पिपासु उन पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम, बहुत भारी मन से इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचा रहा हूं।